Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog. आज के brand new vlog में आप सबको welcome करते हैं। अभी यहाँ से मैं गंदुम लूंगा, ये सब ये जो जितने भी गंदुम है ये सब हमने परिंदों के लिए रखी हुई है। ये गंदुम मैंने ले लिए, अब ये जाके डालते हैं परिंदों को, एक प्लेट सुबह एक प्लेट शाम। यहाँ पर डालते हैं इनको, ये फिल हो गया। अब पानी वगैरह इनका मैं चेक कर लूँ कि पानी है कि नहीं, पानी तो है ठीक है। अभी मैं देखने लगा हूँ कि मेरे पैरेट्स ने जो बच्चे निकाले हुए थे तो उनके वो कितने बड़े हो चुके हैं, कितने उनके पंख निकले हैं, कौन से कलर के वो निकल रहे हैं, वो मैं देखता हूँ और आपको भी साथ दिखाता हूँ। अभी मैं इस टाइम चारपाई के ऊपर हूँ, यहाँ मैं चढ़ा हुआ हूँ क्योंकि पिंजरा काफ़ी हाइट में लगाया हुआ है ना, तो वो मेरा हाथ नहीं पहुँचता। तो अब देखते हैं, ये पीछे भी है और ये आगे भी है और एक ये भी हैं, ये भी रखे हुए हैं। अब इन सबको चेक करते हैं फिर आपको भी साथ। मैंने निकाले हैं, ये देखो ये मेरे नीचे घुस रहा है, एक ये, दो ये और दो ये, चार और दो इसके अंदर निकले हैं, छः और एक सात बच्चे निकले हैं माशाल्लाह। ये देखें, ओहो इधर खड़े तो हो ना, ये देखो कितने छोटे हैं। ये एक वीक के बाद थोड़े से हो जाएंगे, चल लेंगे अच्छे सही तरह काबिल हो जाएंगे, अभी चलते हैं लेकिन बहुत स्लो चल रहे हैं। ये देखें, चलो इनको अंदर। परिंदों को देखने के बाद उनके बच्चों को मैंने देखा, वो माशाल्लाह चारे बहुत हेल्दी हैं, बल्कि सारे बहुत हेल्दी हैं जितने भी निकले हुए हैं। तो उनको दोबारा मैंने अब केज को दोबारा उसमें अंदर डिब्बे को दोबारा केज के अंदर मैंने सेट कर दिया ताकि इनको कोई मसला ना हो, बाहर की हवा ना लगे। छोटे बेबीज़ को बड़ा इश्यूज़ होता है परिंदों के, तो अब मैंने दोबारा लगा दिया। अब एक हफ्ते के बाद मैं दोबारा इनको देखूँगा, फिर ये माशाल्लाह और बड़े हो जाएंगे और ख़ूबसूरत इनके कलर बहुत प्यारे निकलते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे इनके कलर्स निकलते जाएंगे, बहुत खूबसूरत कलर। अभी हम नीचे जा रहे हैं, वहाँ पर थोड़े से दो चार तोड़े पड़े हुए हैं आसमान के, रेत बजरी के, वो हमने उठाने हैं, अब ऊपर लेके आने हैं क्योंकि नीचे बुरे लगते हैं गेट के आगे पड़े हुए। दो तीन दिन हो गए पड़े हुए हैं, तो अब भाई और मैं हम नीचे जाते हैं तो उठाते हैं और उसको ऊपर लेके आते हैं, फिर आपको नीचे जा कर दिखाते हैं। अब चलते हैं हम नीचे। जो हमने पौधा लगाया था और इस पर देखें एक फूल भी लगा हुआ है, ये देखिए ये, अब इसको अभी तो कुछ भी नहीं, अगले साल इसको सही फल लगेगा, अभी तो छोटा बेबी है, ये बेबी प्लांट है तो अगले साल सही होगा। ये वाले हैं जो उठाना है सामान, अब शिरोज़ भाई आए हैं, उन्होंने अब ये वाला उठाना है और ये वो जो कचरा वगैरह था ये वो वाला है, और बाकी तो सारा हमारा रोड साफ है। अब ये वाला उठाने के लिए हमें ऊपर ले कर जाना है, ये सबसे ऊपर। चलो शिरोज़ भाई फिर करवाऊँ हेल्प साथ। हमने तोड़े हैं, मैंने आपको दिखाए हैं ना, वो हम दोनों से नहीं उठाए गए, वो इतने वज़नी थे, इतना उसका वेट था। ऊपर से जो हो गई है ना, असल में बारिश हो गई है ना, बारिश की वजह से रेत हो मिट्टी हो बजरी हो, इनका जो वेट होता है ना वो डबल हो जाता है क्योंकि अंदर पानी चला जाता है। वो पान बारिशें होती रही हैं तो वो वज़नी हो गई। अब जैसे ये ड्राई होती है ना, या किसी नशई को कह के ये फिर ऊपर हम पिकवा देंगे, अभी तो हमारे से तो नहीं फ़िलहाल उठाई जा रही, वज़न बहुत ज़्यादा हो, उसको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी बारिशें होती रहती हैं, पानी इसको मिलता रहता है। एक साल तक हो जाएगा, अपनी सही अरूज पे चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अभी भी ये है, ये कोई 5-5.5 फुट तो है ही है, लेकिन इससे डबल हो जाना है, इसने हाइट पकड़ लेगा। इधर पहले भी बहुत पौधे लगे हुए हैं, इधर की जो मिट्टी है ना ये बताती है कि यहाँ पर पहले फसलें होती थी सारी, तो ये मिट्टी बहुत जरखेज मिट्टी है क्योंकि ये पहले भी यूज़ में आ चुकी है। तो ये आप इतने इतने बड़े दरख्त देख सकते हैं, इस मिट्टी में कोई पावर है तो इतने इतने बड़े ये दरख्त हो चुके हैं ना। ये चीज़ खड़ी हुई है फातिमा, नीचे ना गिर जाना बच्चे। फातिमा जब आप आती हो मेरी बात सुनो, जब आप हमारे घर आती हो तो वो डोगी क्यों बोलता है इतना, मुझे लगता है डोगी को पसंद हो आप। डोगी कहते हैं ये मुझे दे दो मैं खा लूँ इसको, है ना फातिमा। अच्छा वो मरियम क्या कह रही थी मुझे बताओ, अब बताओ। नहीं तो वो क्या कह रही थी कि हमें शराज के घर जाना है पिज्ज़ा बनाना है वहाँ। लेकिन हमने तो नहीं बनाने, मरियम को नहीं देना हमने पिज्जा बनाने, हमने बनाना है। आप लोग को मजा आ रहा है, क्यों वो की बोल रहा है? कौन बोल रहा है, डोगी? हाँ। डोगी तो पागल है, वो ऐसे ही बोलता रहता है।
तो वो बोल ही जा रहा है ना, वो बोलने दो तो, उसने तो नहीं चुप होना। अच्छा चाय पियो, चाय ठंडी हो रही है आपकी, चलो जल्दी करो। अभी बहुत सारी गर्म है। अभी गर्म है? हाँ लगा ले। कितनी गर्म है अभी दिखाओ। हाँ अभी गर्म है। स्कूल गई थी आज? नहीं, क्यों? आज मेरी छुट्टी हुई। छुट्टी क्यों थी आज? मैं बुखार था। बुखार था? पूछो मम्मी से। अच्छा तो आप सिरप पिया फिर? ठीक हो गया। टाइम हो गया 5:15 का। ओ वाओ, आप यहाँ खड़ी हुई हैं? अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? माशाल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं, उम्मीद है आप भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो मौसम एंजॉय कर रही हूँ, परिंदे उड़े उनको देख रही हूँ, माशाल्लाह देखो इनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, ना खाने की ना पकाने की ना, बस खा लिया और उड़ लिया और कितने मज़े से जा रही है। मैं तो कब से इधर खड़ी हूँ। तो मामा आज बनाना क्या है फिर आपने? मैंने आज आपके बाबा लेके आए थे आलू मेथी। आलू मेथी बनानी है? हाँ जी। वो तो बहुत मज़े की बनती जी, है। मैंने मेथी कंडी करके रख ली है। अच्छा तो आलू भी काट लिए हैं, अभी किचन में जाती हूँ। अभी तो 10 मिनट से मैं इधर खड़ी हूँ। मैं आपको घर में देख रहा था, मैं पता नहीं मामा कहाँ चली गई हैं, ऊपर हैं। मामा ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, क्योंकि ये आपकी हौसला अफजाई है। लेकिन आप बहुत कंजूसी करते हैं, प्लीज़ आपने। सो फाइनली गाइस, मामा ने भी आप रिक्वेस्ट डाल दी आप सबको कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, और सबको शेयर करें। ये एक हौसला अफजाई होती है आप बहन भाइयों की ना, आपकी मेहरबानी। हो जाएगा, हो जाएगा, अगर इतने हो गए हैं ना तो बाकी भी इंशाल्लाह हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुझे इस चीज़ को होता है ना कि मेरे बहन भाइयों को हम अपने घर की पूरी रूटीन शेयर करते हैं, तो उनका तो हक बनता है ना हमें लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको लगता है कि घर की रूटीन कैसे होती है, उठना बैठना पूरा दिन कैसे हमारा गुजरता है। कर देंगे कर देंगे। अभी चलें ऊपर? नहीं, मैं आपको नमक लगेगा, किचन में लेके जा रही हूँ। हाँ जी, ये आलू की कटिंग की है, ये हरी मिर्ची है, आलू सो फाइनली अभी हम आ चुके हैं किचन में। तो अब मामा यहाँ पर बनाएंगी अपनी मेथी और आलू, अंदर पालक भी डाली है। हाँ जी, ये क्या नमक लगाने लगे हैं जी? इससे क्या होता है? टेस्टी बनती है, 5 से 7 मिनट तक छोड़ दूंगी ना नमक लगा के, फिर वो टेस्टी बनती है, बाद में अच्छे से धो लूंगी। अच्छा आप डबल काट देना। ये अभी हम इस टाइम समोसे लेने आए हुए हैं, हो गए पैक भाई? ये आटा वगैरह, ये मीठी चटनी है, ये समोसे मैं लेके आया था। तो अभी हम सब बैठ के खाते हैं, ये डैड है मोम है, तो अब ट्राई करते हैं। लेना मामा आप भी लें, मुझे भी डाल दें। और ऊपर से मौसम बहुत अच्छा बन गया होगा, अब दिन ब दिन मौसम चेंज ही होना है, अच्छा मौसम हो गया होगा। गरम गरम है ये, मुझे दे दो। चलो चलो ले खाएं सारे। हम सब इस टाइम समोसा इंजॉय कर रहे हैं जो कि बहुत यमी और टेस्टी और डिलीशियस है, दिल करता है खाई जाए बंदा। तो ये मामा बैठे हुए हैं, कैसा टेस्ट लगा मामा आपको? जबरदस्त। आपको कैसा लगा टेस्ट? बहुत प्यारा यार, बड़ा मज़ा आ रहा है खाने का। ठंडा ठंडा मौसम, ऊपर समोसे, टू मच हो जाता है काम, बड़ा मज़ा आ रहा है। इस टाइम समोसा इंजॉय कर रहे हैं जो कि बहुत यमी और टेस्टी और डिलीशियस है, दिल करता है खाई जाए बंदा। तो ये मामा बैठे हुए हैं, कैसा टेस्ट लगा मामा आपको?
जबरदस्त। आपको कैसा लगा टेस्ट? बहुत प्यारा यार, बड़ा मजा आ रहा है खाने का। ठंडा ठंडा मौसम हो, ऊपर समोसे हो, टू मच हो जाता है काम, बड़ा मजा आ रहा है। खाने के बाद यार मजा आ गया आज तो। बड़े मजे के समोसे थे, स्पाइसी थे और ऊपर से हवा चल रही थी, बड़ा मजा आया वैसे खाने का। मामा आपको मजा कितना आया? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बड़ा हमने इंजॉय कर करके समोसे खाए हैं। ना आप रोटी बनाइएगा कि अभी अभी मैं खाऊंगा घंटे डेढ़ तक, क्योंकि मैंने अभी मैंने तो खानी नहीं, मैंने तो समोसा ले लिया आधा, मैंने तो नहीं, अब कुछ भी नहीं मैंने खाना। तो अगर मुझे तमन्ना हुई तो मैं आपको रात को बोल दूंगा या मैं तंदूर से ले आऊंगा। आपके बाबा ने भी बोला कि मैंने रोटी नहीं खानी, वैसे तो मैंने आटा वगैरह गूंथ लिया, हांडी बन गई है, लेकिन उन्होंने भी बोला कि मैंने रोटी नहीं खानी, मैंने खुद नहीं खानी। समोसा खा लो ना तो सीना डक हो जाता फिर। वैसे लाइट गुजार, हां जी, लंबा चौड़ा तो खाना चाहिए ना, क्योंकि रात को सोना होता है। क्या बात है। सो फाइनली गाइस आपसे जाएंगे इजाजत, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। डकार आ गया नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।